कर रहा है और हम लाए हैं मैगी। गाइस तो हम लोग पहुंच गए पुलसा, ये देखो, लेकिन ये साफ नहीं दिख रहा अभी, शायद इसका पानी इन्होंने चेंज नहीं किया होगा, ये साफ सा नहीं दिख रहा। आंटी तो यहीं के पास हम लोगों को बस लेनी है, ये चीज़ अच्छी है। गाइस मेरे दिव्यांश को आ गई है नींद, है तो बस वही चीज़ हो सकती है गाइस। तो देखिए ब्लॉग कहाँ तक मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी, तो लाइन लगी पड़ी है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है जा रहा है। वैसे गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस, कैसे आप सब, आई होप सब अच्छे होंगे। और हम सब लोग अचानक से हमारा प्लान बन गया और हम लोग जा रहे हैं रंगपुरी मंदिर। ये देखो यहाँ शिव का पड़ा है, नीचे चला लो यहाँ पे। अब हम सब लोग मंदिर जा रहे हैं, ये भी जा रही हैं। ऐसे घर में खाली बैठे थे तो सोचा मंदिर हो आते हैं, तो ब्लॉग में बन रही है, आप लोगों को मंदिर दिखाएंगे। तो गाइस हम लोग कर रहे हैं बस का वेट, अभी हम सब बैठे हैं, ये फोन में लगी है, हम लोग बस का वेट कर रहे हैं, फिर हम बैठेंगे और फिर पहुंचेंगे रंगपुरी और फिर आपको दिखाएंगे मंदिर। गाइस तो हम लोग पहुंच गए हैं रंगपुरी, ये पड़ता है रंगपुरी मणिपालपुर के पास, कापासेड़ा बॉर्डर से हम लोग 10 मिनट में आ गए आराम से, हमारे घर के पास ही है। और ये देखो, तो चलिए चलते हैं मंदिर में अंदर। अभी तो हम जस्ट आए हैं और हमने मुंह वगैरह धो लिया है, देखते हैं, मैं भी पहली बार आई हूँ, देखते हैं कैसा है। और देखो एक फ्लाइट जा रही है, यहाँ मंदिर के सिर्फ बाहर एक ही दुकान है, यहीं से जो कुछ लेना है यहीं से लेना है। ये वाला 40 का, इसके साथ दूध भी देंगे, ये वाला 20 का, इस तरीके से है। और जो मिठाई वगैरह लेना चाहो तो वो भी है। तो बस पूरी मंदिर के बाहर बस एक ही दुकान है, जो भी प्रसाद वगैरह लेना है तो यहीं से लेना होता है। मेन यहीं पर बस रुकती है और मंदिर बस बस यहीं पर रुको ले लो। अभी वो आएगा, बोला कि मैं अभी आता हूँ, वो सामने है, 40 रुपये आके ले लेगा। घंटी बजाएंगे, चलो ले लिया हमने फूल अगरबत्ती, चढ़ाते हैं सबसे पहले। ये देखो गरम हो रहा है, लो तुम वीडियो बनाना, फोन पकड़ लोगी ऐसे? मम्मी पकड़ लेंगी, मम्मी बाबू पकड़ेंगे, मम्मी पकड़ लो, ला सही से पकड़ना, ऐसे ही पकड़ना, चाहे यार वीडियो खराब कर दी उनकी। हाँ ऐसे तो हम अभी मंदिर पहुँच चुके हैं, तो हम अभी मंदिर पहुँच चुके हैं, देखिए वो रहे शिव जी और हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो मम्मी ये पकड़ लो थोड़ा, ये नीचे अगरबत्ती जला रही, मम्मी पकड़ लो। कितनी बड़ी है, भगवान जी हैं राधा कृष्ण।
और दिव्यांश घास में ये सही किया, आगे टांग लिया बैग। चलो थोड़ी देर बैठते हैं फिर यहीं पर छाँव के। तो झूले वगैरह भी हैं क्या इधर? काफी बड़ा है, अच्छा है, काफी बड़ा, अच्छा है। ओ ये आ रहा है दिव्यांश, ये आ गया। ये देखो यहाँ गाइस आएंगे, आपको फ्लाइट बहुत जाती हुई दिख रही है। देखो ये गई, ये देखिए, हाय दिव्यांश को आवाज आ रही है, बेचारा डर रहा है, डर रहा है। अब ये देखो चिपक रहा है, देर डर रहा है। नहीं बाबू डरने की बात नहीं, वो तो चला गया मामा पास, मामा पास। नो नो नो, डरने की क्या बात है इसमें। और दोस्तों देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है, देखते हैं घूम के फिर के। हम लोग भी पहली बार आए हैं। अच्छा इधर एक पानी का भी बना रखा है, लेकिन ये अभी सही नहीं हो रहा। आए पानी का बनाया हुआ है पूल सा, ये लेकिन ये साफ नहीं दिख रहा अभी, शायद इसका पानी इन्होंने चेंज नहीं किया होगा, इसलिए साफ सा नहीं दिख रहा। दिव्यांश ढूंढ रहा है फ्लाइट कहाँ गया, अभी तो था। तुम तो डर रहे थे, अब क्यों ढूंढ रहे हो? ये देखो हम बैठे हैं पेड़ के नीचे। ये एक और आ गया भाई, यहाँ तो एक के बाद एक आपको मिलते रहेंगे। ये देखो गया, ये गया कि तो लाइन लगी पड़ी है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, जा रहा है। वैसे इस टाइम पे जाते हुए ज्यादा दिख रहे हैं, आते हुए कम। ये फूल डाल रहा है बाबू के ऊपर। चलिए यहाँ बैठते हैं घास में, यहाँ यह घास है ना, यहाँ बैठते साफ सुथरी जगह पे बैठते। अच्छा लग रहा है दिव्यांश, अच्छा लग रहा है। ओ मम्मी हाँ हाँ हाँ, लाइट की आवाज से दिव्यांश डर रहा है। और हम लाए हैं मैगी, मैंने सोचा दिव्यांश को भूख लगेगी या मुझे लगी, तो हम लोग मैगी ले आए और पानी। तो अब हम बैठ के खा रहे हैं भाई। कहीं जाओ कुछ ना कुछ ले जाना चाहिए, मैं कह रही कहीं जाओ तो कुछ ना कुछ। भाई कितने आएंगे भाई, हम तो जब से आए गिनती करना, गिनती नहीं हो पा रही, इतने हो गए, बेचारे इधर से रह रहे हैं। इतने आ रहे हैं, इसको लग रहा है कि कोई भूत आ गया है ना, दिन में भी कोई भूत आता है। नहीं भाई दिव्यांश को भी लग रही है भूख, बैठ जाओ बैठ के खा लो। बाय बाय, अब पर मैगी खत्म खत्म हो गई, अब क्या खाएंगे दिव्यांश? अब क्या खाओगे, अब क्या खाएंगे, बना के लाए बताओ, यहाँ कहीं देखे बनाने की व्यवस्था कर। बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पर हमने वीडियो शूडियो कर ली, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, हमारे फ़ोन में इतनी बैटरी नहीं है कि हम और ज़्यादा रील्स वील्स बना पाए, कुछ भी बना नहीं सकते, है ना दिव्यांश? इसकी वजह से क्या हुआ कि दिव्यांश ने ना मेरी डाटा केबल ख़राब कर दी, तो फ़ोन ना अच्छे से चार्ज नहीं हो पाता। चलो बाकी अच्छा है, यहाँ पर सब बहुत अच्छा है, एक बार ज़रूर आएँ आप लोग भी। यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है और बैकग्राउंड इतना ज़्यादा प्यारा है ना कि वीडियो रील्स आप इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब किसी की भी बनाएं यार, बहुत ही अच्छा है। तो मैं यहाँ आई थी, जब भी मैं जाती थी मम्मी के घर से रास्ते में पड़ता था, तो मेरा बहुत मन था कि मैं एक दिन इधर ज़रूर आऊँगी, लेकिन आज पता नहीं ऐसे ही बैठे बैठे दिमाग में आया और मैंने इनसे बोला चलो चल रहे हैं। ये भी हमारी कोई पहचान की हैं, तो इनके साथ तो ये भी कह रही थी मैंने कभी यहाँ कुछ नहीं देखा, तो मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए आज रंगपुरी वाले मंदिर लेके चलती हूँ। तो मैं आज इन्हें यहाँ लेके आई और मेरा भी बहुत मन था देखा। तो ऐसी कभी कोई प्लानिंग ना करो ना तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं गाइस, बहुत दिन से मन था और यहाँ पर सडन हम आ गए, तो कितना अच्छा हुआ। और आप लोगों को भी मैंने दिखा दिया गाइस, आप लोग भी इस मंदिर को ज़रूर आएँ, बहुत ही प्यारा है, ये देख लीजिए।
बहुत ही प्यारा है। और अगर आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कोई भी वीडियो बनाते हैं तो आपको यहाँ बहुत ही अच्छा लगेगा और बैकग्राउंड बहुत अच्छा मिल जाएगा। ये देखिए, चलिए ब्लॉग में बने रहिए। लेकिन ब्लॉग में क्या बने रहिएगा, इसमें एक चीज़ और बताऊँगी, मेरे फ़ोन की जो बैटरी ना वो लो होती जा रही है, बस 20% बैटरी बची है। उसके बाद आपको पता ही है, फ़ोन मना कर देता है कि अब वीडियो शूट नहीं हो सकती है, तो बस वही चीज़ हो सकती है गाइस। तो देखिए ब्लॉग कहाँ तक मैं कंटिन्यू कर पाऊँ बता नहीं सकती, क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं है। और एक के बाद एक लगातार यहाँ पर फ्लाइट्स आती जा रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये जब से हम आए हैं ना इतनी फ्लाइट निकल गई हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि कितनी, हमने अभी तक गिन भी नहीं पाया समझो, इतनी सारी हो गई हैं। तो यही है, ब्लॉग में बने रहिए। दिव्यांश को आ गई है नींद, उसको दूध पिला के मैंने सुला दिया, ये बैठी लेके। ये हैं इनके बच्चे और हम चलेंगे अब थोड़ी देर में घर। तो आगे का ब्लॉग आप लोगों को घर जाकर ही मिलेगा। बना रहे गाइस, अब चलते हैं घर पे। अब हम पहले अपने दिव्यांश ने तो ऑलरेडी पहने हुए हैं, अब अरे बस भी रुके हुए बस लो चल सीधे यहीं के पास, हम लोगों को बस लेनी है। ये चीज़ अच्छी है, इतना पास में इसका ये फ़ायदा, सीधे मंदिर से निकलो बस पकड़ो। अब हम चलते हैं घर पे गाइस, और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं गाइस। मैंने सोचा था जब तक बैटरी लो हो जाएगी, लेकिन अभी थोड़ी बैटरी है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मैं मिलूँगी आपसे जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय गाइस। तो हम घर पहुँच गए और मैंने खाना वाना बनाया, पानी भरा, कूलर में पानी डाला, बहुत सारे काम थे आके किए जो, तो इसी कारण मैं वीडियो कंटिन्यू कर पाई नहीं कर पाई थी। और अब मैं खा रही हूँ भुट्टा, खाना वाना खाने के बाद। और दिव्यांश मेरा कर रहा है शैतानी, ये शैतानी कर रहा है।